राजस्थान और मुंबई के बीच किसके हाथ लगेगी बाजी? राजस्थान के रणबांकुरों का होगा हल्ला बोल या फिर मुंबई के लड़ाके दिखाएंगे अपना मोल? क्या इस बार भी सूर्या का ताप विरोधियों को झुलसाएगा या फिर जोश बटलर का जोश मुंबई को रुलाएगा? आखिर किस टीम का दिखेगा बेखौफ अंदाज? जानिए कौन कौन प्लेयर होंगे अपनी टीम के जाबाज, किस खिलाड़ी पर दाव लगाकर आप बना सकते हैं अपनी ड्रीम टीम, जानिए आखिर कौन खिलाड़ी आपको कर सकता है मालामाल। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के 38वें मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस के साथ होगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला राजस्थान के होम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमें एक दूसरे से दूसरी बार भिड़ने जा रही हैं। पहली बार राजस्थान ने मुंबई को 6 विकेट से मात दी थी। जहां तक दोनों टीमों की मौजूदा आईपीएल में परफॉर्मेंस की बात है तो इस सीजन में संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, जबकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पर है। मुंबई ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले जिसमें से 3 में टीम को जीत और 4 में हार मिली। वहीं राजस्थान की टीम ने सीजन 7 मुकाबले खेले और उन्हें 6 मैच में जीत मिली। अब हम आपको भारत पॉजिटिव की बेस्ट ड्रीम टीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो खिलाड़ी काफी अहम साबित हो सकते हैं। विकेट कीपर से शुरुआत करते जोश बटलर, संजू सैमसन, ईशान किशन। बल्लेबाजी में आप रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को ले सकते हैं। ऑलराउंडर के तौर पर आप हार्दिक पांड्या और रियान पराग का सिलेक्शन कर सकते हैं। गेंदबाजी के तौर पर युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और गेराल्ड कोएत्ज़ी को आप शामिल कीजिए अपनी टीम में। बात कैप्टन और वाइस कैप्टन की करें तो यहाँ आप सूर्य कुमार यादव यानी मिस्टर 360 को अपना कैप्टन बना सकते हैं। वहीं जोश बटलर को वाइस कैप्टन बनाकर आपको भी फायदा होगा। चलिए बातें सीधे दोनों टीमों की इस संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। बात राजस्थान रॉयल्स की करें तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन कप्तान विकेटकीपर, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, रोमन पॉवेल, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप सेन, युजवेंद्र चहल और जोश बटलर। बात करें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की तो रोहित शर्मा, ईशान किशन विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, आकाश मधवाल। ये तो थी दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। आइए बात कर लेते हैं आखिर सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है। तो सवाई मानसिंह की ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी फेवरेबल है। यहाँ की सपाट विकेट बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। हालांकि पारी की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी विकेट से मूवमेंट मिलेगी जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि टॉस जीतने वाली टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। अब आपको ये बता देते हैं कि जब जब भी दोनों टीमों की भिड़ंत हुई तो कौन किस पर भारी पड़ा। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए जिसमें से एमआई ने 15 में जीत दर्ज की और 13 मैच आरआर ने अपने नाम किए। एक मैच बेनतीजा रहा। आईपीएल 2024 में दोनों टीमें दूसरी बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी। पहले मुकाबले में आरआर को 6 विकेट से जीत मिली थी। आईपीएल 2023 में दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ था जिसमें एमआई को 6 विकेट से जीत मिली थी। आंकड़ों में जरूर 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई यहां राजस्थान से आगे, लेकिन मौजूदा आईपीएल सीजन की बात करें तो यहां राजस्थान का पलड़ा मुंबई पर भारी। अब हम आपको भारत पॉजिटिव की प्रेडिक्शन बताते हैं। भारत पॉजिटिव की प्रेडिक्शन तो यही है कि इस बार जो टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मौजूदा सीजन की बात करें तो जरूर राजस्थान की टीम शानदार लय में दिख रही है, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर काबिज भी है, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी जीत की लय पकड़ चुकी है। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच दिलचस्प कांटे के मुकाबले की उम्मीद नजर आ रही है। यहां मुंबई की 52% जीतने की पॉसिबिलिटी है तो वहीं 48% जीतने के चांसेस राजस्थान के नजर आ रहे हैं। तो ये है भारत पॉजिटिव की प्रेडिक्शन, उसकी ड्रीम टीम और फैंटेसी 11 को लेकर। आपकी प्रेडिक्शन क्या है जरूर कमेंट करके हमें बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।